अलाउद्दीन का जो है कैरेक्टर कैसा था क्या कुछ? अरे बहुत गंदा है, बच्चा चोर करता है, बच्चों को भी किडनैप करता है। ये मेरे घर के ऊपर कब्जा करके रखी है। जब 7 साल से यही हूँ तो इसमें कब्जा कहाँ से हो गया? ठीक है कोई बात नहीं, संभव तुम मेरे साथ रहती क्यों है? तो आपको क्या लग रहा है आपके जो पति कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं है, उनको अपनी नई औरतों के साथ में रहने का शौक है। तो वो अलग अलग टाइप की औरत लेके आता, आज ये तो दूसरे दिन वो। मेरे घर के अंदर किसी गैर मर्द के कपड़े भी रखे गए, टोपी भी रखी गई है, इसके बहुत नाजायज ताल्लुकात है। ऐसे कैसे मैं अभी यहाँ से चली जाऊँ क्या लोगों को ये बोलने के लिए कि हाँ ये कैरेक्टरलेस थी या फिर ये सही नहीं थी? बरोबर मारता है, लेके आता है, धंधाखोरी करता है, इधर गालियाँ देता है, ऐसे गंदगी। मैंने इसके मारपीट इसलिए की थी कि सुबह 10 बजे गई है घर में से और रात को ये कुछ 11 बजे आई है। ब्रा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें शिमला पार्क महाटा बिल्डिंग नंबर 7 में रहने वाली संजीदा ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया और किसी महिला से शादी कर घर का सारा सामान उठा ले जाने की बात कही थी। खबर दिखाने के बाद अलाउद्दीन ने भी अपना पक्ष रखा है और अलाउद्दीन से बात करने के बाद हमने संजीदा से भी बात की है। इन दोनों ने जो अपनी बातें रखी हैं वो हम आपको सुनाएंगे, मगर जो आरोप संजीदा दूसरी शादी करने का अलाउद्दीन पर लगा रही थी वो सही है, मगर अलाउद्दीन की दूसरी नहीं तीसरी शादी भी हुई है। अलाउद्दीन की पहली बीवी जो मलाड में रहती है जिसका नाम शमीम बानो है और दूसरी बीवी है संजीदा जलाल शेख, इसी दूसरी बीवी के साथ मारपीट अलाउद्दीन ने किया है और अब ये तीसरी बीवी के साथ जिसका नाम है शबीना इदरीस, इसके साथ मुमरा के चरनीपाड़ा में रह रहा है। अलाउद्दीन ने बताया कि उसने दूसरी बीवी संजीदा को 2014 में ही तलाक दे दिया था, मगर उसकी दूसरी बीवी संजीदा का कहना है कि उसने सादे कागज़ पर साइन करवाया था मगर तलाक के बारे में उसे जानकारी नहीं है। फिर उसने ये भी बताया कि समझौते के नाम पर 2018 में भी साइन करवाया था और तलाक दी थी, मगर मैं उस तलाक को नहीं मानती हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए। वहीं अलाउद्दीन का कहना है कि उसे तलाक दे दिया है, अब वो उसकी बीवी नहीं है, मगर वो मेरे घर पर कब्जा कर रखी है। वहीं संजीदा का भी कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे 3 बच्चे हैं, कहाँ बच्चों को लेकर जाऊंगी। अलाउद्दीन ने भी संजीदा के चाल चलन चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, मगर वहीं महडा बिल्डिंग में रहने वाले कुछ महिलाओं से भी हमने बात की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि महिलाओं ने जो आरोप लगाया है कि अलाउद्दीन का ही चाल चलन ठीक नहीं है, आए दिन किसी ना किसी महिलाओं को वो यहाँ सोसाइटी में लाता था और घर में मारपीट होती थी, ऐसा सोसाइटी के महिलाओं ने जानकारी दी है। यहाँ तक बताया कि अलाउद्दीन ने ही संजीदा को मारा, घर का सारा सामान उठा ले गया। अलाउद्दीन की पहली बीवी से भी इसके 3 बच्चे हैं और दूसरी बीवी संजीदा से भी इसके 3 बच्चे हैं और अब संजीदा को छोड़कर वो तीसरी बीवी जो देख भी नहीं सकती है शबीना इदरीस से शादी कर लिया है। सबसे पहले हम अलाउद्दीन ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। अलाउद्दीन भाई, क्या पूरा मामला है जब आपकी सेकंड औरत है उसके साथ आपका क्या है पूरा मामला है? जी, मेरी सेकंड औरत जो है वो एक अच्छी वाइफ नहीं है, इसके कारण मुझे उसे 2 बार तलाक देना पड़ा है। एक 2014 में मुझे उसको तलाक दिया है, एक 2017 में दिया है तलाक, और ये जो वाइफ है मेरी ये वाइफ करने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं औरत की बेइज्जती करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में इसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, मेरे बच्चों की पूरी ज़िंदगी इसने ख़राब कर दी। मैंने हर तरह से इसे समझाने की कोशिश किया ताकि तू कोई गलत काम मत कर, लेकिन ये बार बार वही गलत काम करे जा रही है और घर में ये ला के तमाम लोगों को मुझे परेशान करे जा रही है। और फिलहाल मेरा कहना ये है आप लोगों से कि इसके ऊपर जिसके ऊपर कैरेक्टर जो है वो बहुत गलत है और इसकी बेइज्जती मैं कर नहीं सकता, ये समाज और ये कानून इसकी बेइज्जती करेगा, इसे मुझे कोर्ट तक के ले जाना है और कोर्ट में इसका फैसला होगा, क्योंकि मैंने तलाक बाकायदा इसको 2 बार दे चुका हूँ। आप तलाक जो दिए कोर्ट से दिए? जी नहीं, मैंने खुला नामा इनका दिया है 2014 के अंदर,
जो इसका गलत मैंने एक आदमी के साथ पकड़ लिया था इसे रंगे हाथ, इसे मैंने इसे खुलानामा दिया था। और दूसरा खुलानामा मैंने इसके गांव में दिया हूँ, अक्कलकोट डिस्ट्रिक्ट शोलापुर, क्योंकि इसके जो हरकतें हैं, इसके जो फ़ोन रिकॉर्डिंग है काफ़ी फेमस है। ये हर जगह मुझे परेशान करी जा रही है, आज भी परेशान करती है मुझे। ये मेरे घर के ऊपर कब्ज़ा करके रखी है, और सेकेंड घर पर इसकी बहन ने कब्ज़ा करके रखी है, जिसका मुआवजा सिर्फ मुझे 50,000 रुपया मिला है। और इसके लिए मैं कानून का दरवाज़ा फिर से खटकाऊंगा, और कानून से मैं एक ही इल्तिजा करना चाहता हूं कि मेरा फैसला करे और कानून मेरा सही से इस्लाम कर सके। तो अभी आपने मारपीट क्यों की थी? मैंने इसके मारपीट इसलिए की थी कि सुबह 10 बजे गई है घर में से, और रात को यह कुछ 11 बजे आई है, और 11 बजे आने के बाद कहती है कि मैं कहीं भी जाऊँगी, कहीं भी फिरूँगी, तू मुझको पूछने वाला कौन है, मेरा कोई संबंध नहीं तेरे से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, संबंध तू मेरे साथ रहती क्यों है? इस मामले में इसने मेरी थर्ड वाइफ को, वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप किसी महिला के साथ शादी कर लिए हैं, और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि थर्ड वाइफ है उसने उससे पहला मारी है, थर्ड वाइफ को इसने मारी है, जिसके मेरे पास पूरे विटनेस सबूत है, और मेरा FIR दर्ज है। FIR नंबर है, नंबर क्या है FIR नंबर? 313-24 का केस है इसके ऊपर, लेकिन ये आज तक के हाजिर नहीं हुई है सर, और मुझे कानून से पूरी उम्मीद है कि ये हाजिर ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, संजीदा जो है ये आपकी दूसरी वाइफ है? जी हाँ, ये मेरी सेकंड वाइफ है, इसने थर्ड वाइफ को मारी थी। लेकिन आपका जो बेटा है वो भी आप पर आरोप लगा रहा है कि आप अपनी उसके माँ के साथ जो जादी करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। दरअसल क्या है ना, बच्चे जो है तो इतना बुरे तरीके से मारा, जो बच्चे है वो उसके साथ ही रहते हैं, मैंने उसे कोई बुरी तरह से नहीं मारा, ये मुझ पर सिर्फ आरोप है। मैं अगर उसे बुरी तरीके से मारता तो ये चल फिर नहीं सकती थी, ये सिर्फ आरोप है मेरे। कि जिस तरह से उनकी फोटो वायरल हुई थी जी, उस तरह से तो जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि मैंने बुरी तरह से नहीं मारा, लेकिन फोटो बताती है कि आपने कैसे मारा था। जी ये जो फोटोग्राफी की गई है ये सब झूठी एक आरोप की तरह पे की गई है, ये मुझे सिर्फ फंसाने के काम है। अगर मैं उसे मारा होता तो एक दिन के अंदर ये चलने फिरने नहीं लगती थी, एक दिन के अंदर ये चलने फिरने लगी है, और मुझे काफ़ी बदनाम करी जा रही है। तो घर जो है, जिस घर में वो है जी, वो घर को लेकर भी विवाद है आप लोगों के बीच में, आपने घर का पूरा सामान भी उठा लाया है उनका? जी मैंने कोई सामान नहीं लेके आया, मेरा सामान जो था गैस का बाटला और कुछ बर्तन वगैरह जो थे थोड़े बहुत, वो मैं लेके आया था, क्योंकि मेरे पास पकाने के कोई सामान मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं रेंट के घर पे रहता हूँ सर, और मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं, बल्कि मैंने मेरा सामान लेके आया, मैं किसी और का सामान क्यों उठा के लाऊंगा? उनकी मौजूदगी में लाए थे? जी उसकी मौजूदगी में लेके आया, वो उस वक्त मेरे ताबे में थी, चाबी उसके पास रहती थी, 5 दिन मैंने चाबी उसी माड़ा के अंदर 6 माले पे रखा हुआ था, वो आए जाए घर के अंदर, उसने 7 मरतबा मेरे घर का ताला तोड़ी है, और 7 मरतबा इसने चोरी भी की है मेरे घर की, उसके घर के अंदर मेरे घर के अंदर किसी गैर मर्द के कपड़े भी रखे गए, टोपी भी रखी गई है, इसके बहुत नाजायज ताल्लुकात है। ये जैसा कि वहाँ के चालियों वालों का कहना है कि रात के अंधेरे में आप आकर के सारा सामान लेकर के गए ताला तोड़ करके? जी नहीं, ताला उसने खुद तोड़ा है, उनके सबके सामने तोड़ा गया ताला, और ताला तोड़ने वाली सारी औरतें मौजूद है, जो 6 माले पे और 4 माले पे मिल के मुझे मारा गया है, हथौड़ी से मारा गया है, और उनको टॉर्चर किया गया, और मुझे घर से बाहर निकाला गया, जबकि घर मेरा खुद का है। ये संजीदा जलाल शेख, ये जो मेरी बीवी नहीं है, ये कोर्ट जाना नहीं चाहती है, और मैंने इसे कहा है कि आप कोर्ट जाइए, ताकि मेरा तमाम कोर्ट से मामला हल हो जाए, ताकि जो भी इसका हिस्सा वगैरह है मैं कोर्ट से अदा कर सकूं, इसके बच्चों का खर्चा मैं कोर्ट से दे सकूं, लेकिन ये मेरे घर पे कब्ज़ा करके रखी है, और मुझे लोहा लान कर रही है, मुझे बार बार मारने की धमकी दे रही है, अगर ये हरकत ऐसी करती रही तो मैं क्या करूँ, मुझे आप बताइए। अलाउद्दीन तरह तरह के आरोप तो लगा रहा है, मगर जब हमने संजीदा से इसका जवाब लिया तो उसने क्या कहा है, और अलाउद्दीन के बारे में सोसाइटी की महिलाओं ने क्या कहा है वो भी सुनिए। आपके पति जो है अलाउद्दीन, उनका कहना है कि वो आपको जो है पहले ही तलाक दे चुके हैं सन 2014 में, और आपके ऊपर और भी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने आपको मारा नहीं। देखिए, अगर वो 2014 में मुझे तलाक दे चुके हैं तो मुझे छोड़ा क्यों नहीं है, मुझे जाने क्यों नहीं दिया, मैं यहीं पे हूँ 7 साल से तो यही हूँ, और उसके पहले मैं आनंद विला में थी, करीब 17 साल से मैं इनके साथ में। अगर 2014 में अगर डिवोर्स हुआ है तो 2018 में एक पेपर बनवाया उन्होंने डिवोर्स का, मुझे मालूमात ही नहीं थी इस बारे में,
अरे तो जो 2014 आप बता रहे हो ये तो मुझे अभी पता चल रहा है कि ये पेपर बना है, मुझे इसके बारे में कोई मालूम नहीं। लगा है, सिग्नेचर हुआ है, तो कैसे ये हुआ फिर? देखिए कितने सारे पेपर्स में उन्होंने मेरी साइन लिए है कि हाँ ये समझौता बनाना है, मुझे इसके लिए एप्लीकेशन चाहिए, वो चाहिए, तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दी हूँ। वो मेरे हस्बैंड थे, मेरे पति थे, मैंने उन पर बिलीव करी हूँ और उन पर हमेशा ट्रस्ट करी हूँ हर चीज का। तो अभी जो 2018 में आप बोल रहे हैं कि तलाक दिए थे, तो उसके बाद फिर उसमें लिखा हुआ 3,000 रुपया महीना आपको मांगने किए थे अपने ऐसा खर्चा। मैं 3,000 रुपया मैं क्यों मांगूंगी? अगर तलाक का पेपर बना है तो मैं तो अपना हक मांगूंगी, अपने बच्चे भी मांगूंगी, क्योंकि मैं तो किसी के साथ भाग नहीं रहा, मैंने शादी तो नहीं की थी, अपना हक मांगूंगी, इतनी तो जाहिल नहीं हूँ मैं। और मैं क्यों बोलूँ कि मुझे 3,000 ही दो, पागल हूँ मैं? उनका कहना है कि जिस घर में आप हैं ये घर जो है उनका है और आप उनकी पत्नी नहीं है, आप कब्जा कर लिए जबरदस्ती। देखिए मैं यहाँ से जब से घर अलाउड हुआ है और बायोमेट्रिक जो पेपर होते हैं, पहले मेरा नाम है संजीदा, फिर अलाउद्दीन का नाम है बायोमेट्रिक पेपर जो होता है, और मेरे बच्चों का नाम है, और मैं जब 7 साल से यही हूँ, तो इसमें कब्जा कहाँ से हो गया, कब्जा किस तरह से हो गया? और जो ये दूसरा औरतों को लाके यहाँ पे बिठा रहा था, जो जबरदस्ती कर रहा था, उसको कब्जा बोला जाता है, इसे मुझे कब्जा बोला नहीं जाता है। अच्छा, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अभी वो आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो है आपका जो है किसी और लोगों से जो है संबंध है। जी, अगर मेरा और किसी से अगर संबंध है, या मेरा जिस तरह से वो बोलना चाहते हैं कि अफेयर वगैरह ये सब है, तो मैं अपने बच्चे जब ये बोल रहे हैं कि मैं छोड़ चुका था, कर चुका था, तो मैं उसके साथ में चली जाती थी ना, उसके साथ रहती, यहाँ क्या मैं इसकी मारपीट खाने के लिए और इसकी गंदी गालियाँ बातें सुनने के लिए रहूँ? और आदमी कर क्या रहा है? मेरे बच्चे म्युनिसिपैलिटी में पढ़ते हैं, ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, मैं जाके दूसरों के घरों से मांग के लाती हूँ, मेरा कपड़ा, बच्चों का कपड़ा, जो पहनता है अलाउद्दीन वो भी कपड़ा मेरा मांगा हुआ है, दूसरों के यहाँ मैं काम करती हूँ वो भी खाना वो लाती हूँ, मैं खाते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है फिर मैं अकेले रह के नहीं कर सकती हूँ क्या इतना? और मुझे ये जबरदस्ती करने की जरूरत क्या है उनके साथ में? अच्छा, जो आपको तलाक की बात करे कि मैं तलाक दे दी हूँ, तो ये आपकी जानकारी में नहीं थी क्या? देखिए मैं तलाक की जानकारी जो आप बोल रहे हो मैं नहीं मानती इस चीज को, और ना मैं मानूंगी। जो लीगली तरीका है गवर्नमेंट से, चाहे वो जैसा भी हो, मैं उसके लिए एग्री हूँ, मेरे बच्चों का मेरा जो हक है वो। और रही दूसरी बात, मेरा बच्चा इस आदमी के वजह से हैंडीकैप पागल हो चुका है, और उसके सारे सबूत सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, और मेरे को भी आज 3 साल से हाइपरटेंशन की बीमारी लग चुकी है, ऊपर से इन्होंने जो मुझे मारा, मेरा एक पैर फ्रैक्चर कर दिया, जो ये दो औरतों को लेके साथ में और दूसरी औरतों को लाके जो बदनामी, जो मेरा ये मानसिक संतुलन वो सब खराब किया, मेरी इमेज खराब कर दी, ऐसे कैसे मैं अभी यहाँ से चली जाऊँ क्या लोगों को ये बोलने के लिए कि हाँ ये कैरेक्टरलेस थी या फिर ये सही नहीं थी? और जो ये किस हिसाब से इन्होंने पूरा घर वर खाली कर दिया, ये तो इनको कोई पूछता है? मैं पुलिस में भी इसकी कंप्लेंट कर चुकी हूँ। ये अच्छा है कि मेरे लोगों से संबंध अच्छे हैं, आस पड़ोस सही है बोल के मेरे बच्चों का मेरा किसी तरह चाहे भीख मांग के गुजारूं या मैं कुछ भी कर रही हूँ चल रहा है, नहीं तो मैं क्या करूँगी? अभी आपके घर में जो सामान थे वो सामान भी बोल रहे वो मेरा सामान था, मैं लेके गया मेरा कुछ भी नहीं, अलाउद्दीन का कुछ भी सामान नहीं था। मुझे ये लॉकडाउन में नाम के साथ में मैं बताती हूँ, मुझे अच्छू भाई, साजिद भाई और ये जो इकबाल भाई है और जो ये बिल्डिंग के लोग हैं, 4 माले पे वो रहते हैं, सुवर्णा तय उनके सामने वाले भाई, और ये मेरे 6 माले के पड़ोसी है वो बबलू भाई है उन्होंने, और ये मान सुवर्णा तय के ऊपर रहते हैं भावना तय ने, ये कोकनी जो मेरे आस पड़ोस के जो मेरे बाजू में एग्जैक्टली जो बाजू में रहते हैं रहमान भाई ने, इन्होंने सब लोगों ने मुझे हेल्प किया था, जो मेरे नीचे रहते हैं इस बिल्डिंग के 607 में उन्होंने मुझे सब सामानों भरवा के दिया था। मेरी हालत खराब थी और मैं 1 महीना बिस्तर से नहीं उठ पाई हूँ। तो मारने का भी बोले कि मैंने मारा नहीं था आपको, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि मारा नहीं? उसका कहना है मारा नहीं, जब ये मार रहा था अपने बीओ के साथ में, बीओ को तो भगा दिया, फिर बाद में से जब मैं जोर से चिल्लाना चालू कर दी, बोलना चालू कर दी, बाहर मेरे बिल्डिंग के लोग आके जोर जोर से जब दरवाजा पीटने लगे करने लगे, तो इसने दरवाजा आगे किया बेडरूम का, आके हाथ पैर धो के सब लोगों के सामने बाहर गया, तब बिल्डिंग वाले एक नहीं दो नहीं 4-5 लोग थे, वो सीधा अंदर आके देखे, तो मैं चिल्लाना चालू कर दी, मेरी कोई हेल्प करो, मेरी मदद करो, मेरी हालत है, तब पुलिस को फोन किया। उस टाइम पर ऑन ड्यूटी में वो कांबड़े सर भी थे, उन्होंने भी मुझे उस हालत में देखा है। पहले मेरे को बोले कि इसको पहले एम्बुलेंस में, इसको हॉस्पिटल में बताओ, उन्होंने खुद ये हालत कर
मेकर है और सब बिल्डिंग इस बात की गवाह है। तो आपको क्या लग रहा है आपके जो पति कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं है, उनको अपनी नई औरतों के साथ में रहने का शौक है। ये आप जो महिला आपके यहाँ बिल्डिंग में रहती है तो इसके जो पति हैं अलाउद्दीन, तो क्या इस महिला के साथ मारपीट करते हैं? हाँ, गाली देते हैं, मारपीट, इधर बाहर खड़े रह के गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। हम लोग छह माले तक हम लोग को सुनने आता है। अपन बोल दिया जाओ तो बोलता है, हमारा सोसाइटी में घर का मैटर है, फैमिली मैटर है। और फिर मार के गया, उसके बाद घर में कुछ भी नहीं था तो हम लोगों ने सामान सब सोसाइटी में मदद उसके बाद उसे दूसरे बिल्डिंग से भी सामान वगैरह आया, सब सामान लेके गया, कुछ भी नहीं घर में रखा। बच्चे भी कुछ दिन भी धमकी दिया, बच्चे भी लंगे थे, हम लोगों ने कपड़े दिए, पैंट खाली नीचे थी, ऊपर टी शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने कपड़ा दिए तो वो बच्चे ने पहने और फिर नीचे वो अपने खाला के इधर गए। 12 बज रहे थे। अच्छा, जैसे कि वो अलाउद्दीन का कहना है कि जो है उनके जो पत्नी है उनका जो है किसी और लोगों के साथ संबंध है। हम लोगों ने तो देखा नहीं, हम लोग को 9 साल हो गया, 9 साल से हमने कुछ भी नहीं देखा। उसको देखते हैं, दूसरी लाता, तीसरी लाता, हर रोज ये गांव जाते हैं, गांव जाने के बाद ये करता वो करता, उसका तो हम एक भी नहीं देखा। 9 साल हो गए भाई, बुरे लोगों का बुरे साथ देंगे। उनकी जो पत्नी है वो भी कह रही है कि जो है, बल्कि अलाउद्दीन जो है उनका कई औरतों के साथ जो है अफेयर है, चक्कर है, इधर कितने बार लेके आते हैं, लेके आता है, लेके आता है ना, कई बार औरतों ने मारा भी उसको, ऐसा ये बात सही है क्या? हाँ हाँ सही है। नहीं, औरतों किस, कौन सी औरतों ने मारा, जो लेके आता है उन्होंने? नहीं नहीं, अलाउद्दीन को औरतों ने यहाँ मारा जो बाकी औरतें लेकर आते हैं। मारता है, बराबर मारता है, लेके आता है, धंधाखोरी करता है, इधर गालियाँ देता है, ऐसे गंदी गंदी सोसाइटी वाले क्यों नहीं बोलते? सोसाइटी वाले का क्या, उधर अक्कल कोट गई ना तो अलग अलग टाइप की औरत लेके आता, आज ये तो दूसरे दिन वो ऐसा, मैं सामने कितने बार देखती हूँ, एक बार चप्पल भी उड़ा के दी थी एक औरत के। तो अभी तो घर का सामान वो सब उठा के ले गया, तो उनके परिवार वालों को आप लोगों ने मदद किया है क्या? हाँ, हम लोगों ने दोबारा मदद किया, सब लोगों ने मिलके, किसी ने बांट लेकर आया, कपड़े दिए, कपड़े भी नहीं थे उसके घर, ताला जब खोला था ना हम सब जने थे, अभी बाकी बाहर गए हैं वो लोग। सामान वामान जो उनके घर का लेके गया वो तो आप लोग क्या देखे थे सामान? हाँ, देखे, कभी 12 बजे लेके, कभी सुबह में जाता है 6 बजे, बाटला बिटला ना सुबह में 6 बजे लेके गया, क्यों मैं सामने 5:30 बजे का आता था सुबह में, 5:30 बजे। कैसा अलाउद्दीन का जो है कैरेक्टर कैसा था कुछ? अरे बहुत गंदा है, बच्चा चोर करता है, बच्चों को भी किडनैप करता है वो, सब लोगों का बच्चा, एक 6 माले का बच्चा गया, उसने किडनैप किया, मैं खुद देखी आंखों से उसको, भाई उसका कोई भरोसा नहीं है, खाली एक दो बार मार के गया उसको। कितनी हम लोग ने बर्तन खाने को दिए, हम लोग के भी बर्तन लेके गए, हम लोग ने बोले तो बोलते मेरे बर्तन थे, मैंने लेके गए, हम लोग का इसके बर्तन लेके गए, भूखे थे तो खाना दिए ना, भूख लगी थी तो आए थे उधर से, तो खाना दिए हम लोग ने, उसका बाटला हम भरवाए थे, रमजान में एक चावल का दाना नहीं खाए तो हम सबों ने भरवा के दिया, उसको आग फूट गई। ऐसा नहीं करने को मांगता ना, बच्चे तेरे है ना, बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं रखा, न घर में कुछ पकाने के लिए, न कपड़ा, न कुछ, भाई अभी कौन देखेगा, पूरा घर वीरान करके छोड़ा। जो जिसने बाटला कनेक्शन करवाया वो भी 4 माले पे, मेरे 6 माले पे रहती है, नीचे उन्होंने बाटले का कनेक्शन करा के दिया है 8,200 का। अब बोलता है मैं अपना सामान लेके गया, अरे तेरा काय का सामान है, तू समझता कब है? बच्चों को धमकी देता, ये करता वो करता, बच्चे भी अब हम लोग को सामने रह के बहुत तकलीफ है उसकी, बहुत तकलीफ है। सोसाइटी वाले भी क्या तकलीफ, कैसा क्या करता है? तकलीफ तो मतलब ये औरत के साथ झगड़ा करता है, मारता है, गाली है, गंदी गंदी गाली मेरे दरवाजे के पास देता है, बेडरूम में भी नहीं, अपने अंदर भी नहीं, बाहर हमारे दरवाजे के पास। रात को 3:30 बजे उठ के उसको मैं चिल्लाई हूँ, ये क्या है बोल के, जब भी मैं बोली पुलिस को फोन लगा थी, बोल के अंदर गया, रात को हमारे को नींद नहीं, चैन नहीं, अरे पुलिस का 1,000-2,000 खिलाता है, चौकी से चौकी भगा देता है, इधर से भगा देता है, हम लोग को परेशानी, पुलिस लोगों को ये खिला रहा है, जो उसके साथ वाले वो भी खा रहे हैं, जब भी उसका कोई नहीं सुन रहा है, जब भी उसका मजबूत नहीं है, आज उसके पास पैसा नहीं है तो ये ठोकर खा रही है, और इसका हक बनता है ना, एक घर दे और उसको तो घर दे के और छुट्टी काटे। अच्छा, हमने उससे भी अलाउद्दीन से भी बात किया है,
तो उसका कहना था कि जो है हमने इनको जो है संजीदा जो उनकी पत्नी है उनको तलाक दे दिया है, तो इतने सालों से यहाँ पर रहे हैं तो आप लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कभी कि कुछ तलाक वगैरह? तलाक क्या दो आदमी में होती, मियां बीवी में, चार आदमी में शादी करके आते ना? ऐसी जानकारी आप लोगों को कभी लगी थी? नहीं नहीं नहीं, यार वो गांव में भी गई थी ना तो उसको लेके आया। अच्छा, जो मारपीट हुई थी इनके साथ, जो पैर में मार लगी थी, तो क्या उसी ने मारा था इनको? तो आपने सुना कि इस मामले में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, दोनों एक दूसरे को कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। वहीं संजीदा को सोसाइटी के लोगों ने मदद की और उसे राशन पानी भी दिया है। पुलिस में संजीदा ने शिकायत भी की है, कई बार पुलिस ने अलाउद्दीन को पकड़ा भी है, मगर अभी भी संजीदा अलाउद्दीन के खौफ में जीने को मजबूर है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।